हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसी केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। यह जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ना केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बल्कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये पूरा बेसिक पार्ट है, इसको जाने बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट हो गए 11th 12th, और BSc के स्टूडेंट, MSc के स्टूडेंट हो गए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट JEE का तैयारी करें, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक क्या है, रिएजेंट। ठीक है, आज हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, रिएजेंट। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई सब्सट्रेट होता है, सब्सट्रेट पे कौन अटैक करता है, रिएजेंट। रिएजेंट अटैक करता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब्सट्रेट पे कौन अटैक करता है, रिएजेंट। तो विदाउट रिएजेंट के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, ये सब्सट्रेट है, उसमें कौन अटैक करेगा, रिएजेंट, और क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। तो हमको किसके ऊपर डिस्कस करना है, इसी रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बोला, विदाउट रिएजेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे ये रिएजेंट क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, ये रिएजेंट ही क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन को क्या कराता है, कंप्लीट कराता है। ठीक है, अब रिएजेंट के टाइप्स क्या है, ये रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो सबको पता है कि रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम इसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के ऊपर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और ये अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बार बार आएगा, ये अटैक करेगा किसी भी सब्सट्रेट पर अटैक करेगा, चाहे ऑर्गेनिक सब्सट्रेट हो, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट करेगा, और क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, अगर ये चीज़ हमको अच्छे से पता है, ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों कैसे किस पोजीशन पे अटैक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मतलब किसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और किसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इधर क्या होगा, न्यूक्लो फाइल। जैसे मैं दोनों को डिफरेंस के तौर पे बताता हूँ तो इससे स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है या कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रो प्लस क्या आ रहा है, फाइल, मतलब ये क्या होता है, फाइल मतलब क्या होता है, लाइक करना, पसंद करना। ठीक है, लाइक, लव, पसंद करना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक तरह का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। फर्स्ट पॉइंट तो क्या बताया मैं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जिसको हम लाइक करते हैं उसको क्या करते हैं, हम ज्यादा ज्यादा अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लेना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। अगला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज मैंने बोला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब ये लेविस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, लेविस ने क्या बोला था, एसिड बेस का मैं लेक्चर में पढ़ाया था,
लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है एसी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेविस एसी। अगला क्या बोल सकते हैं, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जब उसको क्या है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन का नीड है, मतलब ये क्या होते हैं जनरल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप इसका काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। और एक चीज, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली कहाँ अटैक करेंगे, ठीक है कहाँ अटैक करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो अगर हमको लेना पसंद करते हैं तो ऐसी पोजीशन पर अटैक करना चाहेंगे जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जनरल ऐसे पोजिशन पर अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज्यादा हो, ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो ज्यादा हो, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजिशन, ऑन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजिशन, ठीक है तो ये कहाँ किस पोजिशन पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है क्योंकि ये ज्यादा लेंगे, जैसे हम नॉर्मली हम अभी ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, बाकी ये कहाँ कैसे रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस अभी हम नॉर्मली ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। तो हम जानते हैं कि बेंजीन, अगर कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करें, सबको पता है इसका अर्थ कोई सा भी हो जाएगा, तो कहीं पर कोई ग्रुप जुड़ा नहीं, अर्थो मेटा पैरा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से ज्यादा होती है अर्थो, उसके बाद पैरा और उसके मेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कहाँ जुड़ेगा अर्थो पे, ठीक है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगर अर्थो पोजिशन क्या है, पहले से फिलअप है, पहले से कोई ग्रुप है तो कहाँ जुड़ेगा पैरा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है मेटा पे। तो ये क्या था इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, ठीक है इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो ये नाम से भी इसका भी क्लियर है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियस फाइल, मतलब ये क्या है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ये क्या है न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस को ये क्या करते हैं लाइक करते हैं पसंद करते हैं, मतलब न्यूक्लियस मतलब पता है क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाले को पसंद करते हैं तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तो पॉजिटिव चार्ज को लाइक कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे डिसलाइक करेंगे, तो ये क्या होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डिसलाइक करते हैं तो इसको क्या करेंगे डोनर, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से क्या करेंगे हटाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो उसको अपने से दूर रखना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करते इलेक्ट्रॉन को डिसलाइक करते हैं, तो ये क्या हो इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो गए। और लेविस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लेविस क्या हो जाएगा ये लेविस बेस, ठीक है इलेक्ट्रॉन बेस लेविस बेस हो गया। अब तीसरी बात जैसे ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आप बताओ कोई इलेक्ट्रॉन कब डोनेट कर सकता है जब उसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हम किसी को कब डोनेट करते हैं जब हमारे पास कोई चीज हमारे जो पूर्ति है, ठीक है मतलब हमारी जरूरत से क्या है ज्यादा है तो हम क्या करते हैं अपनी चीजों को डोनेट कर देते। तो यहाँ भी अगर हम लोग देख ले न्यूक्लियोफाइल तो ये क्या बोले इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, मतलब ये क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में मतलब ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेस ग्रुप, इलेक्ट्रॉन या रिच ग्रुप बोल दो रिच एक्सेस ग्रुप न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब इस पॉइंट में जाएंगे, मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोफाइल हो ऐसी पोजीशन पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए हम क्या बात करें कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करते,
ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखना चाहते हैं। तो अब देखो किस पोजीशन पे अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं चाहते, इसलिए ये ऐसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आज पहले इसको लिख लेता हूं, ये क्या होता है, अटैक ऑन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन। जैसे बेंजीन रिंग है, मैं क्या बोला, ये आर्थो मेटा पैरा, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंस सबसे ज्यादा होती है, आर्थो, उसके बाद पैरा, और सबसे कम कहाँ होती है, मेटा। तो बता न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मेटा पे, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे। ठीक है, मतलब अटैक करने का सेंस वहां जुड़ेगा। अब जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बोल रहा था जैसे मान लिया कोई बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखा है, तो अगर उसको दो तीन जगह से क्या मिला है, दावत मिला है खाने के लिए, तो कहाँ जाएगा, जैसे सबसे पहले सोचेगा कि कहाँ उसको ज्यादा ज्यादा खाने को मिल सकता है, ठीक है, तो वो उसी के घर में जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा मिल सके, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। उसी तरह न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल समय पहले से बहुत खा चुका है, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले से बहुत खा चुका है, अब खाना ही चाहता है, उसको पेट कंप्लीट भर दिया, भर क्या, भर से भी मतलब वो तो ज्यादा भी खा चुका है, ठीक है, तो अब उसको खाने के लिए बुलाए हैं, तो जाना ही चाहेगा, लेकिन उसको मजबूरी में जाना है, तो वो पहले सिलेक्ट करेगा कि ऐसे घर सिलेक्ट करके जहाँ उसको खा उसको उसको बहुत कम खाने को मिले, या कोई खिलाए नहीं, ठीक है, बहुत कम खाने को मिले। तो जैसे मैं बोला कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करते, इसलिए वो जनरली वहां जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं मिले, कम मिले, ठीक है, तो सेम वही, जैसे वो ऐसी जगह जाएगा जहां उसको कोई खिलाए नहीं, और खाने को कम मिले, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो। क्लियर है? तो ये क्या था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसका जो डेफिनेशन था कि क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्या न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, मैं अब क्या करता हूँ, इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ जल्दी से, जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं या न्यूक्लियोफाइल है उसका हम लोग क्या देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कि किसको किस टाइप से किसी को इलेक्ट्रोफाइल में रखा गया है और किसको न्यूक्लियोफाइल में रखा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, ठीक है। अब देखो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो यहीं से कंपटीशन के हम बहुत बहुत सारे पूछे जाते हैं कि विच मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कौन है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है या कौन न्यूक्लियोफाइल है, इस टाइप से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, तो ये अलग अलग, इसको जितने भी इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने क्या बोला, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमको पता है कि केमिस्ट्री में वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब हो सकता है, जिसमें कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या होते हैं, जनरली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है, ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन कंपाउंड आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कई बच्चे तुरंत दिमाग में बैठा लेते हैं कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अमोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इसको अगर निकालो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को निकालो क्या होता है, 2p3 क्या होगा, 1s2 2s2, 2p3, 1 2 3,
2p3, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोनियम आयन का प्लस है ना, 2p3 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन आते, इधर से वन एस आते, तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो, हाइड्रोजन से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। जैसे इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, जैसे नाइट्रोजन 2H2 ये हो गया, अरे इसका 2p3 हो गया, ये 2 2 2, ठीक है। अब प्लस से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मान लो अब ये ऐसे आएंगे, अब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन तो पूरे भर गए हैं, ये वैकेंट है ही नहीं, अब वैकेंट है ही नहीं, खाली नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा, इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइल। उसी तरह हाइड्रोनियम आयन का भी डायग्राम बनाऊंगा तो इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जनरली ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि सभी के सभी ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा देखो, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल के क्लासिफिकेशन में दूसरा देखेंगे, हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें पी ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे BH3 हाइड्रोजन वाले, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BI3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब एग्जांपल। इसका पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा कि नहीं, इसका डायग्राम बनाओ। पी ऑर्बिटल क्या आएगा, वैकेंट आएगा, खाली आएगा। तो वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को वहां क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, वैकेंट बना लोगे इसका जब डायग्राम बनाओगे। बोरॉन का कितना आता है, वो 1H2 2H2 2P1 एक आ गया, दो आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, तो वहां क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह थर्ड टाइप में देखेंगे, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके डी ऑर्बिटल क्या हो, खाली है। जैसे पी ऑर्बिटल खाली है वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इसी तरह डी ऑर्बिटल खाली वाले मॉलिक्यूल होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल FeCl2, FeCl3 एक सबसे अच्छा एग्जांपल, PCl5 को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका डी ऑर्बिटल पूरा पूरा क्या होता है, खाली रहता है। इसी तरह इन FeCl2 फेरस क्लोराइड, इन दोनों के भी डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, जिसे आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने डी ऑर्बिटल में क्या कर सकते, रख सकते हैं। इसीलिए ये एक तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, इसका तीन क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम लोग देख सकते हैं, हैविंग लो लाइंग सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एमओटी थ्योरी से बनाते हैं, तो कुछ के क्या लो लाइंग सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग क्या होते हैं, वैकेंट। लो लाइंग सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे इसका तुम जब एमओटी डायग्राम बनाओगे, ठीक है, एमओटी डायग्राम बनाओगे तो ये दोनों के बीच, ये सिग्मा स्टार है, ये पाई स्टार, इसके बीच लो लाइन, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, लो लाइन होता है, तो ये सिग्मा स्टार वैकेंट होता है, तो ये क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब इसका सिग्मा एंटीबॉन्डिंग क्या होता है, वैकेंट होता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितने भी हाइलोजन वाले होंगे, जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन ब्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये तो हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह हम लोग
इधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये किस का है, किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का। इसी तरह हम इधर देख लेते हैं, अच्छा एक ही साइड देख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन ज्यादा क्लियर होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो मैंने क्या बोला कि जितने न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच वाले ग्रुप होंगे। तो जैसे ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम केमिस्ट्री में कैसे पहचानते हैं कि किसी एटम या मॉलिक्यूल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जब उसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज लगा हो या फिर उसमें क्या हो, लोन पेयर लगा हो। तो पहला तो इसके क्लासिफिकेशन में आ गया नेगेटिव चार्ज स्पीसी, ठीक है, जिसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज लगा हो, वो क्या हो, किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे किसी में भी फ्लोरीन नाइट्रो, जिसमें भी नेगेटिव चार्ज लग गया हो, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है, किसी में भी जिसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज लगा हो, नाइट्रो हो गया, ये सभी किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बोला, या तो उसमें नेगेटिव चार्ज लगा हो या क्या हो, लोन पे, ठीक है, हैविंग एलपी, ऐसा कोई स्पीसी जिसमें क्या हो, लोन पे लगा हो। लोन पे मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और कोई भी मॉलिक्यूल या एटम क्या करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी हटाना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो जिसमें भी लोन पेयर हो, सभी के सभी किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एमिन हो गया, ये सभी में क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये सभी के सभी किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो या तो नेगेटिव चार्ज लगा हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो। थर्ड टाइप इसमें देख लेते हैं, जो कि किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, कुछ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होंगे, कुछ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होंगे, वो भी किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। उसके बाद सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और उसके बाद थर्ड हो गया गिलमान रिएजेंट, क्या हो गया थर्ड, RTCULI, इसको क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट। उसके बाद डाइएल्किल जिंक, डाइएल्किल कैडमियम, ये सभी के सभी ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है, और ये भी एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और चौथा एक तरह देख सकते हैं क्या होगा, डबल बॉन्डेड का, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, पाई बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। जितने पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, ये भी किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे ये हो गया एथिलीन, ये सभी एग्जांपल, ठीक है। तो ये किसका क्लासिफिकेशन था, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल का। तो हम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है या और कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो हम आसानी से देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं, ठीक है, बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जैसे कुछ इलेक्ट्रोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल दोनों काम करते हैं, जैसे बी आर टू, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, बी आर प्लस, अब बी आर माइनस में टूटेगा, ठीक है। यहां लिखता हूं बी आर टू प्लस, अब बी आर माइनस में टूटा, तो जो प्लस वाला है पॉजिटिव चार्ज वाला है ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, अब बी आर माइनस वाला किसका काम करेगा, न्यूक्लियो फाइल का, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का दोनों काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल करते हैं, जिसके डोनर साइड दो होते हैं लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्रो नाइट्राइटो, NO2 ONO, उसके बाद साइनाइटो आइसोसाइनाइटो, SCN NCS, ठीक है। तो ये सभी किसके हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम केवल देख रहे थे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कल हम देखेंगे इनका अटैकिंग पोजीशन, ठीक है, कौन किस पोजीशन पर अटैक करेगा और कौन किस न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शन को ये कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पार्ट था, कल हम इसका अगले लेवल का इसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का पार्ट सबको समझ में आया होगा, ठीक है, चलो थैंक यू।